बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं नोटराम लोरोली अब देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी अब बीजेपी के पक्ष की हो गई है। लेकिन आज हम आपको ऐसे कुछ तथ्य बताएंगे कि जिसके आधार पर आप ही तय करना कि बीजेपी का पक्षकार आखिर है कौन, बसपा सुप्रीमो मायावती जी या फिर कांग्रेस या बीजेपी एक है या बहुजन समाज पार्टी एक है। दरअसल हम समझाने की कोशिश करें तो थोड़ा पीछे ही चले जाते हैं, 2008 के आते हैं जब बीजेपी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि बीजेपी शासन के अंदर 2014 में आई थी। उससे पहले बीजेपी देश के सत्ता में नहीं थी, उस समय कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सत्ता थी, राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी जीत कराई थी। बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक जीते थे और कांग्रेस पार्टी के 96 विधायक जीत कराए थे। कांग्रेस पार्टी अल्पमत में थी। बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को इसलिए समर्थन बाहर से दिया ताकि बीजेपी सरकार ना बना ले। बहुजन समाज पार्टी ने यह सोचकर जो है इन विधायक अपने 6 विधायक जो जीत कराए थे उन लोगों को कांग्रेस पार्टी से बाहर से समर्थन इसलिए दिया ताकि कांग्रेस जो है सरकार बना ले और बीजेपी गठबंधन सरकार ना बन जाए। तो बीजेपी को रोकने के लिए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने कांग्रेस को जो है अपने बाहर 6 विधायकों का समर्थन दिया। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी के 6 के 6 विधायकों को तोड़कर अपने पाले में सम्मिलित कर लिया, यानी कि 6 के 6 विधायकों को पूरी तरीके खरीद कर पार्टी से जो बीएसपी है उसके साथ गद्दारी करते हुए धोखा करते हुए उन्होंने 6 विधायकों को पूरा का पूरा तोड़कर अपने पास कर लिया। इसके अलावा हम देखने की कोशिश करें तो सेम टू सेम कहानी 2018 में हुई। 18 के अंदर भी 2-6 विधायक बसपा के जीत कर आए और फिर कांग्रेस पार्टी ने दोबारा बहुजन समाज पार्टी के साथ धोखा किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को बाहर से यहां पर बसपा ने समर्थन दिया था ताकि बीजेपी सरकार ना बना ले। आज बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक अगर स्वतंत्र होते, बाहर होते और मान भी ले अगर वो बीजेपी को समर्थन दे देते, तो जिस तरीके से सचिन पायलट ने कांग्रेस के साथ किया, अगर वही हालात आज होते और बसपा के 6 विधायक जो है बाहर होते और बीजेपी को समर्थन दे देते, तो आपको मैं बताने की कोशिश करूं यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर जाती। लेकिन इसके बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस को बाहर से समर्थन दिया, लेकिन कांग्रेस ने उनके साथ गद्दारी करते हुए कांग्रेस पार्टी ने फिर से पार्टी बसपा के साथ धोखा किया और उनके 6 विधायकों को अपने साथ सम्मिलित कर लिया। इसके अलावा हम देखने की कोशिश करें तो यूपी की आप बात देख लीजिए। यूपी के अंदर बहुजन समाज पार्टी की जो है ताकत है, समाजवादी पार्टी की ताकत है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा कोई भी ताकत नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी 00/00 के बराबर है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रियंका गांधी यहाँ पर ताबड़तोड़ जो है तरीके से करने में लगी हुई है, जहां पे कांग्रेस पार्टी को पता भी है कि उनकी सीटें कितनी आनी है, लेकिन उसके बावजूद प्रियंका गांधी यहां लगी हुई है, बीएसपी को प्रवक्ता बता रही है बीजेपी का और तरीके से। तो यहां पर साफ तरीके से निश्चित है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतने वाली नहीं है, कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई वर्चस्व नहीं है। लेकिन वो यहां पर अगर मेहनत करेगी, ज्यादा हाथोड़ करेगी, तो यहां पर बीजेपी को फायदा होगा और सपा और बसपा को काफी ज्यादा नुकसान होगा। दोनों ही पार्टियां यानी सपा और बसपा को काफी ज्यादा नुकसान होगा, जिसकी कांग्रेस पार्टी खुद तलाश कर रही है। इसके अलावा हम देखने की कोशिश कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश की आप स्थिति देख लीजिए। मध्य प्रदेश में बसपा के 2 विधायक जीत कर आए, दोनों ने बसपा से बाहर से समर्थन दिया, लेकिन मंत्री उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं बनाया गया, जबकि अन्य लोगों को मंत्री बना दिया, लेकिन बीएसपी के लोगों को कांग्रेस ने मंत्री नहीं बनाया। यानी कि कुल मिलाकर हम देखने की कोशिश करें तो एक चीज साफ नजर आती है कि कांग्रेस पार्टी जो है बीजेपी की हितैषी है, ना कि बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी ने कई बार कांग्रेस पार्टी को समर्थन इसलिए दिया ताकि बीजेपी को रोक सके, लेकिन बीजेपी ने यहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने बसपा के साथ गद्दारी करते हुए उनके 6-6 विधायकों को भी अपनी पार्टी में सम्मिलित करवा लिया था। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी 2014 से पहले सत्ता में थी और यह तमाम तरीके के जो विधायकों को खरीदना, सरकारों को गिराना, छोटी पार्टियों को बर्बाद करना, यह तमाम काम जो है कांग्रेस पार्टी ने किया था, शुरुआत कांग्रेस ने की थी और उनको चरम पर जो है बीजेपी पहुंचाने में लगी हुई है। यानी कि जिस तरीके से एक बाप की औलाद होती है और पहली औलाद अगर निकम्मी निकलती है तो दूसरा उसका फायदा उठाता है, उनके कामों को आगे बढ़ाता है, उसी प्रकार का काम यहां पर जो है बीजेपी कर रही है। आरएसएस है, उसकी मां बाप है और उन्हीं को आपको बता दें कि जो कांग्रेस पार्टी जो काम नहीं कर पाई उन कामों को पूरा करने के लिए बीजेपी को आगे किया गया है। आप लोग जब तक यह समझिए कि बीजेपी और कांग्रेस एक है, तब ही आप लोगों का भला है। मिलेंगे इतने वीडियो अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपको वीडियो पसंद आया।